दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो बांके बिहारी मंदिर है वृंदावन में, मंदिर में जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि हर 2 मिनट में भगवान श्री कृष्ण के सामने पर्दा डाल दिया जाता है। उस पर्दे को फिर 2 मिनट के बाद हटा दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया वहां के पुजारी जी निरंतर करते रहते हैं। हर 2 मिनट में पर्दा डालते हैं, हर 2 मिनट में पर्दा हटाते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा कहा जाता है कि वहां पर श्री कृष्ण जो है वो एक बार जो जिनको मन भर कर देख लेते हैं या जो उनको एक बार मन भर कर देख लेता है तो श्री कृष्ण जी उसके साथ साथ चले, उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। कहते हैं एक बार एक बूढ़ी माता जी थी जो अकेले बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए आई। वह बड़े भावुक मन से श्री कृष्ण को देख रही थी और मन में सोच रही थी कि काश मेरा भी ऐसा बेटा होता। अच्छा ऐसा सोचते सोचते वो उनको मन भर देख ली और इतने में ऐसा प्रेम भाव आया कि देखने मात्र से श्री कृष्ण जी उनके पीछे पीछे वहां से उनके घर तक चले गए। और इसी बीच मंदिर सूना हो गया। वहां के पुजारी और अन्य भक्त बहुत परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण जी को काफी मिन्नत करने के बाद, काफी मनाने के बाद मंदिर में वापस लाया जा सका। ये परंपरा वहीं से चली आई कि श्री कृष्ण जी तब से वहां पर उनको मन भर देखने नहीं दिया जाता। हर 2 मिनट में पुजारी जी वहां पर पर्दा डालते हैं और वहां से पर्दा हटाते हैं। ये मनमोहक जो माहौल वहां पे बना हुआ है, जब आप बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे तो आप देखेंगे, या जो लोग गए हैं वो ये देखते हैं कि वहां पर आप मन भर श्री कृष्ण जी को नहीं देख सकते। हर 2 मिनट में वहां पर पर्दा पड़ जाता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है वहां पर जीने के लिए। आप वहां पर जब जाते हैं और उस मंदिर को देखते हैं तो क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।